बताओ उसको मुझे, आप इधर कैमरे पे आओ। तो जनाब हमने इंटरव्यू किया आज माली का, और अबे रुको ना बॉयज। हेलो 1 2 3 4 ऑडियो चेक, एक सेकंड। तो उसमें कुछ गलतियां हो गई थी, हमने 2-3 चीज़ों का ख्याल नहीं रखा, एक कैमरा एंगल, दूसरा फोकस। एक मिनट, तो उसमें हमारे से गलतियां हुई हैं, जिसमें हमारे से फोकस आउट हुआ है और कैमरा एंगल हमारा ख़राब था। अस्सलाम वालेकुम, आज हम मौजूद हैं अपने पैकेज फिर से मौजूद है अपने HD मीडिया प्रोडक्शन की। यार कट करो, अभी आपको गर्दन हिलानी है, मैं सवाल आप कर, मैं जवाब दे रहा हूँ, तो गर्दन हिलानी थी आपने। आज इस वक्त जो हम यहाँ मीडिया के अंदर अपना प्रैक्टिकल कर रहे हैं, ये रोज़मर्रा की बुनियाद पे हम करते हैं, मुख्तलिफ अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं कि लाइट कैसे होगी, डेप्थ ऑफ फील्ड कैसे क्रिएट होगी। जब तक आपका शॉट बहुत ही अच्छा नहीं बनेगा, उसकी क्वालिटी कलर अच्छा नहीं आएगा, तो आपकी वीडियो अच्छी नहीं आएगी। ये बात करने की वजह यह है कि आज हमारे पास एक स्टूडेंट आया जिसने 2-3 जगहों पे, मुख्तलिफ जगहों पे कोर्स किए हुए थे, और उसको बिल्कुल कोई नॉलेज नहीं थी। मुझे बड़ा अफसोस हुआ उसको देख के कि उसने फीस भी ज़्यादा दी, अपना टाइम भी वेस्ट किया, जिन टीचर्स के पास गया उन्होंने उसको ट्रेन भी सही नहीं किया। तो आज जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि डेप्थ ऑफ फील्ड कैसे क्रिएट की जाती है, आपका शॉट कैसे अच्छा बनता है। जैसे हमने इस वक्त कैमरा एक जगह रखा, तो उसके हम थोड़ा सा वाइड एंगल में मीडियम मतलब मिड शॉट हमने रिकॉर्ड किया। सेकंड शॉट हमने कैमरे को उसी जगह से अपनी पोजीशन से चेंज नहीं किया, ना मेरी पोजीशन चेंज हुई ना ही कैमरे की चेंज हुई, हमने उसको जूम इन किया, क्लोज कर लिया। तो इसके दरमियान जो बीच में गैप आएगा, हम उसको एडिट पे काट के उसको दोनों को जोड़ेंगे शॉट्स को, तो वो बैलेंस आएगा एक शॉट पे दूसरे क्लोज शॉट पे जाने के लिए। ये एडिटिंग पॉइंट है, ये लाइव नहीं चल रहा। लाइव अगर होता तो आपको यहाँ 2 कैमरे रखने पड़ते, एक कैमरा मीडियम शॉट पे या वाइड शॉट पे और दूसरा क्लोज शॉट पे। तो अभी हम जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, उस रिकॉर्डिंग के अंदर एक ही कैमरे से हम पहले मीडियम शॉट बनाएंगे फिर क्लोज शॉट बनाएंगे, तो इस तरह जो शॉट बनेंगे शॉट्स के अंदर वेरिएशन आएगी, और कैमरा जहाँ पे रहेगा वहीं पे रहेगा, वहाँ से हम उसको किसी दूसरी जगह शिफ्ट नहीं करेंगे। एक दूसरी चीज़, जो आपकी लाइट है आपने उसको अगर अच्छा खूबसूरत अंदाज में पेश करना है, तो आपने एक जैसे मेरे यहाँ पे राइट लेफ्ट साइड पे मेरे लाइट है, और एक मैंने पीछे से बैकग्राउंड लाइट दे के अपना यहाँ पे ब्लू शेडो क्रिएट किया हुआ है। इससे क्या होगा कि आपकी वीडियो अच्छी बनेगी। इस वक्त जो हमने फ्रेम है उसको थोड़ा वाइड किया है, मतलब ये हमारा तीसरा फ्रेम है, सिर्फ इस वजह से किया है कि आपको लाइट बता दें हमारी लाइट की पोजीशन क्या है। हमारी लाइट जो एक वक्त इस वक्त जो है मेरे लेफ्ट साइड पे, और एक मेरे लेफ्ट साइड पे बैकग्राउंड में, उस पर हमने ब्लू जेल पेपर लगाया हुआ है, और मैं बैकग्राउंड से तकरीबन 3 से 4 मीटर के फासले पर खड़ा हूँ। अगर मैं बैकग्राउंड के करीब चला जाऊंगा तो लाइट बैकग्राउंड पे भी जाएगी और लाइट भी ज़्यादा चौक जाएगा, हम दोनों के अंदर कोई डेप्थ ऑफ फील्ड क्रिएट नहीं होगी, डिफरेंस नहीं आएगा। इसलिए आपने बैकग्राउंड से दूर रहना है और अपने शॉट को आला से आला बनाना है। जब आप बैकग्राउंड से दूर रहेंगे तो डेप्थ ऑफ फील्ड क्रिएट होगी और आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। मीडिया साइंस के स्टूडेंट हों, उनको किसी अच्छी मुस्तनद जगह से, बेशक डिग्री कहीं से भी हासिल कर लें, प्रैक्टिकल ज़रूर करें, ताकि वो फील्ड में जाके 3-4 महीने का प्रैक्टिकल कर लेंगे तो आगे जाके उनको रुलना नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए मुस्तनद अदारे, मुस्तनद जगह से, मुस्तनद उस्तादजा से आप ये काम सीख सकते हैं, जो आपको तरीके से सिखाएं। कैमरे सब एक ही जैसे होते हैं, सिर्फ उनके मैकेनिज्म में फ़र्क होता है, उनकी हैंडलिंग में फ़र्क होता है, बटन आगे पीछे कर देते हैं, रेजोल्यूशन महंगा और सस्ता करने के लिए वो बनाते हैं, किसी की रिजल्ट कम कर देते हैं, किसी में हाई कर देते हैं। महंगे से महंगे कैमरे से अगर आपने काम करना है और क्वालिटी ना हुई तो कोई फ़ायदा नहीं है। बात तो यह है कि अगर आप सस्ते कैमरे से भी वही काम कर लें जो आपने महंगे से करना है, उसके लिए आपको तजर्बा होना चाहिए, आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। जब आप काम करेंगे तो आपका काम बोलता है, आपके काम की क्वालिटी बोलती है, साउंड आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, लाइट आपकी ठीक होनी चाहिए, और बोलने वाला तो आपके सामने सब्जेक्ट या करेक्टर होगा। जैसे आप उससे परफॉर्म करवाएंगे वैसे ही वो परफॉर्म करेगा और वैसे ही वो वीडियो आपको दिखाएगा। तो आज के इस व्लॉग को बनाने की वजह ये थी कि हमने अपने एक्सपेरिमेंट काफ़ी एक हफ्ता हो गया इसमें लगे हुए, अपने लॉन में भी जाके किया, मेमन इंडस्ट्रियल टेक्निकल इंस्टीट्यूट का जो लॉन है बहुत बड़ा है, काफ़ी वसी एरिया है, उसमें जाके हमने बच्चों को
वीडियो बना के सिखाया कि वीडियो कैसे बनती है, डेप्थ ऑफ फील्ड कैसे क्रिएट होती है। फिर उनको अपने तौर पे माइक दे के भेजा कि जब आप अपनी रिकॉर्डिंग करने जाएंगे तो आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, आप वहाँ कैसे खड़े होंगे। मुख्तलिफ़ एंगल से, मुख्तलिफ तरीके से उनको हमने वीडियो सिखाई कि आप अगर एक नेचुरल लाइट और एक मस्नूई लाइट पे किस तरह से रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। आज के व्लॉग को बनाने या आपको समझाने का मेन मकसद ये है कि आप कैमरा ऑपरेटर कैसे हो, आप उसका कैल्वन कैसे एडजस्ट करते हो और आपका फ्रेम क्या होना चाहिए। एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम पे जब जाते हैं तो वो कैमरे का क्या सूरत हाल होना चाहिए। इस वक्त जो हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वो सिंगल कैमरे से कर रहे हैं, लेकिन हम इसको कटिंग पे करके ड्यूल करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपने वीडियो अच्छी बनानी है तो बेहतर है कि आप उसका प्रैक्टिकल करें। पहले आप उसकी लॉग शीट तैयार करें, लिखें कि हमने शॉट्स क्या लेने हैं, अपने अंदर एक कॉन्सेप्ट बनाएं ताकि उस कॉन्सेप्ट के थ्रू आप वो काम कर सकें। कैमरा कोई भी इस्तेमाल करें लेकिन वो प्रोफेशनल होना चाहिए। इसमें तीन कैटेगरी आती हैं, एक कंज्यूमर, एक सेमी प्रोफेशनल और एक प्रोफेशनल। तो तीनों में क्वालिटी में फ़र्क होता है। अगर आप ऑपरेटर अच्छे हैं, काम अच्छा करना जानते हैं तो आप अच्छी से अच्छी चीज़ बना सकते हैं। इंडोर और आउटडोर लाइट में बड़ा फ़र्क होता है, बड़ा डिफरेंस होता है, तो उसको भी आपको क्रिएट करने के लिए आपको पता होना चाहिए। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर आप वो काम अच्छा करना चाहते हैं, अच्छा काम बनाना चाहते हैं, अच्छा काम पेश करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक्सपेरिमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा तजर्बे करें। फजूलियात से कोई फ़ायदा नहीं होगा, ये एक ही जगह खड़े होकर एक ही जगह पर बन सकता है। आपके दिमाग के अंदर कितना सेंस, कितना काम करता है और कैसे करता है, तो आप बेहतर से बेहतर व्लॉग बना सकते हैं। इस वक्त जो हमने लाइट अपनी है थोड़ी सी, उसके अंदर डिफरेंस किया। डिफरेंस क्या किया कि लाइट को हमने छत पे डायरेक्ट मार दिया और आपको नजर आ रहा होगा कि पूरी एक लाइट मेरे बालों पे और बैकग्राउंड में बन गई है। यह भी एक लाइट करने का तरीका है। अगर आप कोई भी काम करते हैं जब तक उसका एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, तजर्बा नहीं करेंगे, तो आपको आएगा नहीं। तो लिहाजा जब आप रिकॉर्डिंग करें, सबसे पहले अपने कैमरे का मैनुअल जो है उसका शटर स्पीड, फोकस, कलर टेम्परेचर, डीबी गेन, ये सब चीज़ें चेक करें। एनडी फिल्टर कि कैमरा बेहतर पोजीशन में है, जो एक्चुअल रिकॉर्डिंग है उसकी कोई चीज़ बड़ी हुई तो नहीं है, तो आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। अगर आपने ये चीज़ें ठीक नहीं की और शूट शुरू कर दिया तो फिर भी आपका रिजल्ट ख़राब होगा। तो जो हमारी लाइट की पोजीशन है, पहले हमने उसके ऊपर जेल लगाया हुआ था ब्लू कलर का, अब हमने वो उठा के डायरेक्ट लाइट की जो आपको दिखाते हैं। तो ये हमारा एक पूरा माहौल है जिसके अंदर हमने लाइटिंग की है। आपको पहले हमने दिखाया कि हमने ब्लू जेल पेपर लगाया हुआ था, अब हमने हटा दिया है। अब इसको डायरेक्ट लाइट करने से क्या हुआ है कि पूरे कमरे में लाइट फैल गई है। लाइट में डिफरेंस क्या होता है ये हम आपको बताते हैं। हम अगर डायरेक्ट फ्लैट लाइट करते हैं, जो फ्लड लाइट होती है, जो पूरे इवन एक जैसी हो जाती है, तो उसका रिजल्ट क्या बनता है। आज हमने लाइटिंग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है कि लाइट किस तरह से सेट होती है, बैक लाइट किस तरह सेट होती है और जो की लाइट होती है उसको किस तरह रिफ्लेक्ट करते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने कैंडल लाइट पढ़ी थी, तो इस वीडियो में हमने ये लाइट पढ़ी है कि बैकग्राउंड में किस तरह एडजस्ट करते हैं लाइट और फ्रंट में किस तरह एडजस्ट करते हैं। और इंडोर लाइटिंग में इसका सबसे बड़ा रोल होता है कि इंडोर लाइटिंग में अगर हमारी लाइट सही नहीं होगी तो वीडियो का कोई पॉइंट नहीं होगा, पूरी वीडियो ख़राब हो जाएगी। और अब कोशिश हमारी है कि उससे अच्छे से अच्छा करेंगे उसको और शार्प और स्मूथली हम काम करेंगे उस पर। तो इंडोर लाइटिंग में ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम लाइट को सही तरीके से एडजस्ट करें। अगर हम इसको एडजस्ट नहीं करेंगे तो हमारी पूरी वीडियो ख़राब हो जाएगी, लाइटिंग रिफ्लेक्शन सही नहीं होगी लाइटिंग की और वीडियो में कोई इम्पेक्ट नहीं आएगा। तो इस तरह हमें ये ख्याल रखना है कि हम लाइट बिल्कुल सही तरीके से इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह हम फिर से कोशिश करेंगे इसको और बेहतर से बेहतर बनाएं और आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर दीजिए, तजर्बा करेंगे तो बेहतर से बेहतर रिज़ल्ट आपको मिलेगा। आज का व्लॉग सिर्फ उन बच्चों के लिए जो इधर उधर घूमते फिर रहे हैं, जिनको कोई अच्छा टीचर या कोई अच्छा ट्रेन करने वाला नहीं मिलता मीडिया के हवाले से, तो ख़ास तौर पे उनके लिए मैंने बनाया है ताकि वो समझ सकें कि वीडियो कैमरा इस्तेमाल कैसे करना है।
हमारे पास इस वक्त जिस कैमरे पे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं कोई बहुत ज़बरदस्त या बहुत आला कैमरा नहीं है, एक कैम कॉर्डर है 4K पैनासोनिक का, ये सेमी प्रोफेशनल है। तो आप अपना कैमरा कोई भी हो उसके ऊपर डिपेंड करें, उसको अच्छा से अच्छा ऑपरेट करें। कैमरे का मकसद ये होता है कि हाथ में लेके घूमना नहीं शुरू हो जाते, उसको किसी ट्राईपोर्ड पे किसी रिग पे फिट करके एक स्टेबल वीडियो बनाएं ताकि आपका रिजल्ट अच्छा आए। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, अगर आपको पसंद आए तो राय ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।